बेंच खाली नहीं थी। एक बेंच पर एक परिवार जो पहनावे से हिंदू लग रहा था, बुरके में एक अधेड़ सुसभ्य महिला बैठी थी। बहुत देर चुपचाप बैठने के बाद बुरके में बैठी महिला ने बगल में बैठे युवक से पूछा, अजमेर के रहने वाले हैं या फिर यहाँ घूमने आए हैं? युवक ने बताया, जी अपने माता पिता के साथ पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने आया था। महिला ने बुरा मुंह बनाते हुए फिर पूछा, आप लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पर नहीं गए? युवक ने उस महिला से प्रतिउत्तर कर दिया, क्या आप ब्रह्मा जी के मंदिर गई थी? महिला अपने मुंह को और बुरा बनाते हुए बोली, लाहौल विला कुवत, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है और आप पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के मंदिर में गई थी? तब युवक झल्लाकर बोला, जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना हराम मानती हैं तो हम क्यों अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाकर अपना माथा फोड़ें? महिला युवक की माँ से शिकायती लहजे में बोली, देखिए बहन जी, आपका लड़का तो बड़ा बदतमीज है, ऐसी मजहबी कट्टरता की वजह से ही तो हमारी कौमी एकता में फूट पड़ रही है। युवक की माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक कहा बहन जी, कौमी एकता का ठेका हम हिंदुओं ने ही ले रखा है। अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चे को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल ना करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र फेंक दिया था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुस्लिम की कब्र पर माथा पटकने जाए। बाद में पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने मोइनुद्दीन चिश्ती के टुकड़े कर दिए थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराने के बाद भी छोड़ दिया था, जबकि एक बार उसने हारने पर चौहान की आंख में जलता हुआ सरिया डाल दिया, जिससे वो अंधे हो गए। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की आवाज सुनकर उसी दिशा में तीर चलाने की कला को देखना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर आते ही उन्होंने सीधा गौरी की आवाज पर निशाना साधा। गौरी की गर्दन पर तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मार डाला। वो लोग पृथ्वीराज के शव को घसीटते हुए अफगानिस्तान ले गए और दफन किया। चौहान की कब्र पर जो भी मुसलमान वहां जाता था, प्रचलन के अनुसार वहां रखे जूते से उसे मारता था। फिर भी हम हिंदू हैं कि सेक्युलर बने फिरे हैं। बाद में शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र से शव निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियों को हिंदुस्तान लाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था। अधिकांश हिंदू तो शेयर भी नहीं करेंगे। दुख है ऐसे हिंदुओं पर। दोस्तों, अगर आप